हेलो एंड वेलकम गाइस, सोलर सीरीज की 12th वीडियो में आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हमने बात करी थी एजीमूथ एंगल के बारे में, और इस वीडियो में हम बात करेंगे टिल्ट एंगल को लेके। हम इसमें देखेंगे कि ये क्या होता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, हम इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे हम किसी जगह का पता करेंगे कि टिल्ट एंगल कितना होगा। इन सारी बातों पर हम डिटेल में बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले समझते हैं टिल्ट एंगल होता क्या है। द एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड द सोलर मॉड्यूल और अ सोलर पैनल इज नोन एज अ टिल्ट एंगल। मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन और सोलर पैनल के बीच में जो एंगल बनेगा उसी को हम क्या कहते हैं, टिल्ट एंगल कहते हैं। जैसे कि आप इस ग्राफ में, इस पिक्चर में देखो आप, तो यहाँ पे ये जो है इसका क्या है, यह हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, इसी को हम क्या बोल देते हैं, हॉरिजॉन्टल। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, अब देखते हैं मॉड्यूल पैनल। तो मॉड्यूल अभी क्या है, यहाँ पे कुछ किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा, मान लेते हैं ये थीटा है, तो ये जो एंगल होगा उसी को हम क्या कह देते हैं, टिल्ट एंगल कहते हैं, ठीक है। पर यहाँ एक और चीज लिखा हुआ है, एरे। एरे का मतलब क्या होता है, अ सेट ऑफ पैटर्न को हम लोग क्या बोल देते हैं, एरे बोलते हैं। यहाँ पे जो जितने भी मॉड्यूल्स लगे हुए हैं वो क्या है, आपका किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे अरेंज्ड है, इसीलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, एरे टिल्ट एंगल बोलते हैं। अब बात आती है कि हम लोग मॉड्यूल्स को टिल्ट क्यों देते हैं, जरूरत क्या है देने की, हम तो नॉर्मल भी हॉरिजॉन्टल पे रख के ले सकते हैं, सनलाइट्स तो वैसे भी इस पे पड़ेंगी, तो हम लोग वैसा क्यों नहीं करते, टिल्ट एंगल देने की जरूरत क्या है, आइए उसे एक बार समझ लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे एक हमारा क्या है, सन, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम लोग और कलर कर देते हैं ताकि आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। ये आपका हो चुका है सन, अभी के लिए हम इतना मान के चलते हैं कि हमारा जो मॉड्यूल है वो क्या है, आपका नीचे ग्राउंड पे लेट, ठीक है। ये अभी आपका जीरो टिल्ट एंगल पे है, मतलब ये आपके हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे है। इस कंडीशन पे अगर आप देखें तो जो हमारे सन की जो लाइट्स आएंगी, ये तो हाँ, यहाँ पे जो लाइट्स आएंगी वो आपका क्या होंगी, नॉर्मल इंसिडेंस पे नहीं होंगी, मतलब किसी न किसी पर्टिकुलर एंगल पे होंगी। और हम जानते हैं कि जो हमारा सोलर का जो जनरेशन होता है वो सबसे ज्यादा किस पे डिपेंड करता है, वो आपका डिपेंड करता है GHI पे, ग्लोबल हॉरिजॉन्टल रेडियंस पे। और GHI किस पे डिपेंड करता है, वो आपका डिपेंड करता है DNI पे। हो सकता है कुछ लोग को अब समझ में ना आए कि GHI और DNI क्या है, तो उनको मैं यही रिफर करूंगा कि वो मेरा सोलर इरेडियंस वाला जो पूरा है वो आप जाके देखो, वहां से ये सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अब हमें क्या करना है, DNI, अगर हमें जनरेशन बढ़ानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, DNI बढ़ाना पड़ेगा। अब DNI कैसे बढ़ेगा, क्योंकि सन तो फिक्स है, तो DNI बढ़ाने के लिए हम क्या चाहेंगे कि जो हमारा मॉड्यूल का जो फेसिंग है वो किसी न किसी तरीके से आपका नॉर्मल इंसिडेंस पे आ जाए। अब बात आती है आएगा कैसे, हम क्या करेंगे, इस मॉड्यूल को थोड़ा सा टिल्ट पे लेके आ जाएंगे, मतलब ऐसा करके थोड़ा सा उठा देते हैं। यहाँ पे हमने क्या काम कर दिया, इसको थोड़ा सा उठा दिया, तो अब क्या होगा, इस कंडीशन पे जो हमारी नॉर्मल इंसिडेंस होगी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। अगर नॉर्मल इंसिडेंस बढ़ गई या फिर DNI बढ़ गई तो हमारा क्या हो जाएगा, GHI बढ़ जाएगा, और GHI बढ़ गया तो सोलर की क्या हो जाएगी, जनरेशन बढ़ जाएगी। तो ये रोल होता है आपका टिल्ट एंगल का। टिल्ट एंगल क्या काम करता है, हमारी सोलर जनरेशन को बढ़ा देता है। पर यहाँ पे एक और क्वेश्चन उठता है कि हमें ये कैसे पता चलेगा किसी जगह पे हमें कितना टिल्ट एंगल देना है, क्योंकि हमने अभी प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि जब मैंने आपको पेवेसिस पे बताया था सन पाथ को लेके, तो हमने देखा था हर जगह पे जो सन का जो पाथ होता है वो वेरी करता रहता है, यानी एल्टीट्यूड चेंज होता रहता है। अगर एल्टीट्यूड चेंज होगा तो सन के द्वारा जो लाइट्स आ रही हैं, सन लाइट्स आ रही हैं, वो भी चेंज होंगी। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हर जगह पे हमें टिल्ट एंगल कितना रखना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, उस पर्टिकुलर लोकेशन का आपको क्या निकाल लेना है, लैंगिट्यूड और लैटिट्यूड, ये आपको निकाल लेना। टिल्ट एंगल के लिए बेसिकली सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है, लैटिट्यूड होता है। लैटिट्यूड बेसिकली करता क्या है, आपका जो टिल्ट एंगल होता है, मान लेते हैं इस पर्टिकुलर लोकेशन का टिल्ट एंगल आपका मान लेते हैं 20 पॉइंट समथिंग है, 20.78 है, तो इस डिग्री का जो वैल्यू होगा वो भी आपका नियर अबाउट कितना होगा, 20 के अप्रॉक्स में ही होगा। ये आपका एक बेसिक थंब रूल है। अभी हम लोग देखेंगे आगे कि हमें कितना करना पड़ता है, एग्जैक्टली हमें कितना करना पड़ता है वो अभी हम देखेंगे। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है, अगर आपका जितना लैटिट्यूड होगा उतना ही आपको क्या करना है, टिल्ट एंगल की वैल्यू देनी है। अब पीवी सिस्टम में हम लोग देखते हैं क्या सही में ऐसा हो रहा है, नहीं हो रहा है, आइए एक बार उसमें भी चेक कर लेते हैं।
फेविसिस्ट को आप ओपन कर लीजिए और सेकंड ऑप्शन पे अगर आप देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, प्रोजेक्ट डिजाइन, इस पे आप क्लिक करिए। इस पे सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है ग्रिड कनेक्टेड। आप जैसे ही ओपन करेंगे तो आपका कोई जो प्रीवियस प्रोजेक्ट होगा वो खुल के आ जाएगा। अगर आपको याद हो तो लास्ट वाला जो प्रोजेक्ट हमारा था वो था न्यू प्रोजेक्ट 1, जिसमें हमने एजीमुथ एंगल हमने बात करी थी, उसी में हम आ जाते हैं ओरिएंटेशन पे, फिर से क्लिक करते हैं। हम लोग एजीमुथ पे बात कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, आज हम बात करेंगे सिर्फ टिल्ट एंगल पे। तो अभी जो टिल्ट एंगल यहाँ पे लिख रहा है वो कितना है, 30 डिग्री है, ठीक है। अभी हम मान लेते हैं जीरो करते हैं इसको। जैसे ही हमने इस पे जीरो किया तो आप देख रहे होंगे जो मॉड्यूल भी था वो भी क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल के अलोंग में हो गया। और इस टाइम पे इसका जो GHI है वो कितना है, 1972 किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, 10 डिग्री बढ़ाते हैं। तो जैसे ही हमने 10 डिग्री बढ़ाया तो मॉड्यूल भी अपने एक्सिस से 10 डिग्री बढ़ गया, और GHI जो है, ग्लोबल ऑन कलेक्टर प्लेन जो है, वो भी आपका बढ़ चुका है। अब ये कितना हो गया, 2115। अब हम काम करते हैं प्लेन टिल्ट को और थोड़ा बढ़ाते हैं, करते हैं 20। ये कितना हो गया, 2206, करीब करीब आपका 90 किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर बढ़ चुका है। अब हम करते हैं 30। तो हमने यहाँ पे देखा कि 10 टू 20 के बीच में करीब करीब 100 किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर का चेंज हुआ, पर 20 से 30 के बीच में आप देखो खाली 42 किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर का चेंज हुआ है। तो यहाँ पे ज्यादा वेरी हुआ नहीं। अब एक बार देखते हैं इसका लैटिट्यूड और लैंगिट्यूड था क्या। कर लीजिए यहाँ से कैंसिल। आप यहाँ पे जाके खोल सकते हैं मेट्रोनॉम डाटा को। तो यहाँ पे आप देखो तो कितना था हमारा लैटिट्यूड, 28.6093, ठीक है, और इसका लॉन्गिट्यूड था 77.21। हमारे इससे ज्यादा मतलब नहीं है, हमारा फोकस होना चाहिए लैटिट्यूड पे। ये कितना था, 28 समथिंग था, ठीक है। यहाँ से क्लोज कर देते हैं, फिर से आ जाते हैं ओरिएंटेशन पे। तो हमारा 30 डिग्री पे कितना है, 2242। अब हम क्या करते हैं, एक बार 28 डालते हैं। तो 28 डिग्री पे भी आप देखो तो 2240 ही आ रहा है, ठीक है। तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 2 किलोवाट का डिफरेंस है। और अब देखते हैं बढ़ा के 29 पे कितना हो रहा है, 2241। 30 पे हम देख चुके थे 2242 था, 31 पे कितना हो रहा है, 2243। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। अब यहाँ देखिए एक और चीज आ रहा है, लॉस बाय द रेस्पेक्ट टू द ऑप्टिमम, मतलब हमने ऑप्टिमाइजेशन को नियरली अचीव कर लिया और उसके द्वारा कोई भी लॉस नहीं हो रहा है, ठीक है। अब करते हैं 33। 33 में भी आपका ज्यादा इंक्रीमेंट हुआ नहीं है। अब देखते हैं 34, हमने किया 34, और ये वैल्यू क्या थी पहले, 2243 थी, अब क्या हो गई, 2242। मतलब अब क्या हो गया, धीरे धीरे जो आपकी वैल्यूज है वो क्या होने लगी, कम होने लगी। तो मैक्सिमम जो हमें मिल सकता है इस पार्टिकुलर लोकेशन पे वो कितने एंगल पे मिलेगा, 33 डिग्री पे मिलेगा, और वो कितना होगा, 2243। पर 33 डिग्री सेलेक्ट करने का भी अपना एक डिसएडवांटेज है, आइए उसको समझते हैं हम लोग थोड़ा सा स्केचअप के थ्रू। मैं स्केचअप खोल लेता हूँ। स्केचअप को ओपन करते ही आप सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें आप अपना जाके जियो लोकेशन सेट करेंगे। ये आपको कहाँ से मिलेगा, ये आप यहाँ पे भी क्लिक करके देख सकते हो। यहाँ पे आप जाओ जियो लोकेशन में, यहाँ आप चाहो ऐड लोकेशन पे भी क्लिक करके कर सकते हो। यहाँ पे क्या करना होता है आपको, सर्च बार में आपको उस पर्टिकुलर लोकेशन का एड्रेस डालना पड़ता है, नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, मैनुअली भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ इंडिया, उसके बाद लैटिट्यूड और लैंगिट्यूड हमें कहाँ से मिल जाएगा, अपने प्रीवियस प्रीवियस में आप जाइए, क्या है 20.60, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे कर लेते हैं पेस्ट, ठीक है। और लॉन्गिट्यूड कितना है, 77.2152, ये भी हमने कर लिया, ओके। हमारा जियो लोकेशन सेट हो गया। अब हम क्या करते हैं, हमें करना है टिल्ट एंगल का इफेक्ट देखना है। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं मॉड्यूल्स, मॉड्यूल का स्टैंडर्ड साइज ले लेते हैं 1 मीटर बाई 2 मीटर, ठीक है। इसको थिकनेस दे देते हैं 35 mm का, उसके बाद ऑफसेट देते हैं वो भी दे देते हैं 35 mm का, ठीक है। अब इसमें डाल देते हैं हम कलर, तो आपका यहाँ पे मॉड्यूल बन के रेडी है। अब इसको हम बना देते हैं मेक अ ग्रुप, ठीक, और हम टीम बना देते हैं, 30 mm का बीच में गैप दे देते हैं, आपको यहाँ से इसको करो कॉपी और यहाँ पे कर दो पेस्ट। तो यहाँ पे आप, ठीक है, इसको हम बना लेते हैं ग्रुप। हम क्या करते हैं,
अभी इस पूरे टेबल को 30 डिग्री का हम लोग इंक्लिनेशन दे देते हैं, मतलब टिल्ट दे देते हैं। यहाँ से हमने ऐसे पकड़ के इसको उठा दिया, तो यहाँ पे हमारा एक टेबल बन के तैयार है। अब आइए देखते हैं इसका शैडो पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो शैडो के लिए अभी के लिए आप बस इतना जान लो कि हम लोग जो शैडो निकालते हैं वो 21 दिसंबर को निकालते हैं। यहाँ से आप सेलेक्ट कर लो 21 दिसंबर, व्यू पॉइंट में जाके आप शैडो को ऑन कर लीजिए अगर नहीं ऑन है तो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस टेबल की परछाई आपको दिख रही है। तो अब हम लोग देखते हैं शैडो 9 बजे कितना पड़ता है करीब। तो आप 9 बजे के करीब देखो इसकी शैडो यहाँ तक जा रही है। इसको हम क्या कर लेते हैं, मार्क कर लेते हैं एक बार, ठीक है। अब देख लेते हैं शाम को 4 बजे के करीब कितना पड़ रहा है। इसको कर लेते हैं हम पीएम। 4 बजे करीब देख रहे हैं शैडो काफी ज्यादा लंबी हो जा रही है, तो हम लेते हैं इसको 3:30 पे। वैसे हम लोग जो देखते हैं शैडो एनालिसिस करते हैं वो 9:30 से 3:30 तक का करते हैं। तो यहां से आप ले लो ऐसे, ये हो गई आपकी मार्क एरिया, ठीक है। मतलब इस मॉड्यूल में, इस पूरे टेबल में अगर हम लोग 30 डिग्री का टिल्ट देंगे तो हमारा जो साइडों का जो एरिया होगा वो आपका इतना होगा। अब हम क्या करते हैं इसी टेबल को थोड़ा सा मूव कर लेते हैं, थोड़ा सा दूर लेके चलते हैं इसको। अब हम क्या करते हैं इस टेबल को 25 डिग्री का एक बार टिल्ट दे के देखते हैं क्या होता है। करीब 5 डिग्री का हम लोग कम टिल्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपका बन के आ रहा है 3:30 पे कितना आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब एक बार देख लेते हैं 9 o'clock कितना हो रहा है। तो 9 बजे के करीब तो ओके। तो यहां से आप देखो तो आपको एक शैडो एरिया मिल गया। अब हम लोग एक बार मेजर करके देखते हैं कितना आ रहा है ये, ठीक है। मेजर किससे करेंगे, यहाँ पे टूल है उसके थ्रू आप मेजर कर सकते हो। तो यहाँ पे आप क्लिक करके देखो ये कितना आ रहा है 3717, और ये कितना आ रहा है, ठीक है। तो ये आपके डिस्टेंसेस आ रहे हैं, एक बार इसको भी कर लेते हैं। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे कितना है 3532, और यहाँ पे कितना है 3771। तो यहाँ पे आप देखो कितने एरिया का डिफरेंस आ गया करीब करीब। आप देखो यहाँ पे कैलकुलेटर में खोलता हूँ, 3771 माइनस 3532, करीब करीब 240 mm का डिफरेंस आ गया यहाँ पे। और यहाँ पे आप देखोगे तो करीब करीब आपका ज्यादा ही हो रहा है। यहाँ पे आप देखो 330 पे 4974 माइनस 4393 581। तो एक चीज का हमको यहां से पता चलता है कि अगर हम टिल्ट एंगल ज्यादा लेंगे तो हमारा क्या होगा, शैडो एरिया जो होगा, शैडो फ्री स्पेस होगा, वो भी धीरे धीरे कम होता जाएगा, इसकी शैडो दूर तक जाएगी। तो हमें बहुत स्मार्टली अपना टिल्ट एंगल भी चुनना होगा। अगर आप पिवसिस्ट में देखो तो पिवसिस्ट में क्या था, 30 डिग्री पे अगर आप देखोगे तो कितना था जनरेशन 2242, ठीक है। अब हम क्या करते हैं 25 डिग्री पे देखते हैं तो कितना था 2231। तो 5 डिग्री के टिल्ट में अगर हम देखें हमारे पास जो एनर्जी कम हो रही है वो कितनी हो रही है, करीब करीब 11 kWh/m² का रेडियंस कम हो रहा है। पर वहीं आप अगर देखो इसके साइडों में तो काफी ज्यादा डिफरेंस आ रहा है। यहां पर कितना था 3771 और यहां पर आ रहा है 3532, तो करीब करीब 240 mm का डिफरेंस आ रहा है स्पेस में। ये काफी बड़ी बात है, अगर आप डिजाइनिंग कर रहे हो तो आपको ये दोनों चीजें ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर हम टिल्ट एंगल को ज्यादा बढ़ा देंगे तो हमारा जो स्पेस होगा, मतलब जो साइडो जो जाएगी वो काफी दूर तक जाएगी। ये चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। उम्मीद है कि आपको हमारा कॉन्सेप्ट आज का समझ में आया होगा। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो प्लीज आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछिए। किसी भी तरह के डाउट्स हो, डिजाइन रिलेटेड किसी भी टॉपिक पे हो, सोलर से रिलेटेड है, तो आप हमें प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टे ट्यून्ड विद अस, गुड डे, गुड बाय।